सोलन जिले के तहत साधु पुल के समीप रूड़ा गांव में स्थापित श्री रामलोक मंदिर आज विश्व के उन धार्मिक स्थलों में शुमार हो चुका है जिसकी कल्पना राम राज्य के बाद किसी संत महात्मा ने की हो। श्री रामलोक मंदिर का प्रारूप भी उसी तरह से तैयार किया गया है जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का निर्माण हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने महल के ऊपर 108 गुंबद बनाए हुए थे, उसी प्रकार से श्री रामलोक मंदिर में भी 108 गुंबदों का निर्माण किया जा रहा है। तेजी से विकसित होते श्री रामलोक मंदिर में आज तक विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। मंदिर में भगवान श्री राम परिवार सहित ब्रह्मा विष्णु महेश, माता हाटकोटी दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, भगवान परशुराम और मुख्य द्वार पर 11 मुखी हनुमान विद्यमान है। आज इस रामलोक मंदिर रूड़ा में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर राम मंदिर में बाबा अमरदेव जी द्वारा ध्वज को स्थापित किया गया और लोगों को राम की प्रति जीवन को समर्पित करने का आग्रह किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल, भतियात विधानसभा के विधायक विक्रम सिंह जरयाल के साथ सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। इस मौके पर भजन कीर्तन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए विक्रम सिंह जरयाल ने बताया कि आज से करीबन 490 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर को बाबर ने ध्वस्त किया था। आज का दिन भारतवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, इसके लिए आज राम मंदिर में ध्वज को स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि रामायण में भी ये बताया गया है कि कलयुग में रूड़ा गाँव में रामलोक की स्थापना होगी, तो बाबा अमरदेव ने यहाँ रामलोक मंदिर की स्थापना कर दी है, इसलिए हिमाचल के लोग उनके बहुत आभारी हैं। दिन जो एक भारतवर्ष के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। 17 जुलाई 1528 ईस्वी को बाबर ने राम मंदिर पर हमला किया अयोध्या में और मंदिर को ध्वस्त किया था। आज 490 वर्ष के बाद 18 जुलाई को फिर से राम मंदिर बनाकर यहां पर ध्वजा समारोह किया गया है, इसलिए हम जो भारतवासी हमें गर्व होना चाहिए इसके लिए। राम मंदिर आपने पढ़ा होगा रामायण में भी, मैंने तो पढ़ा है कि कलयुग में राम मंदिर जो है वो रूड़ा गांव में बनेगा, तो हुसता बाबा जी ने ढूंढते हुए इस गांव में पहुंचे होंगे, उनके चरण पड़ने थे और राम मंदिर का यहां पर बहुत बड़ा एक भव्य विशाल मंदिर बना है, उसके लिए बाबा जी का भी सभी जितने भी भक्त हैं उन सबका। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।